आज की वीडियो होने वाली है सैमसंग के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट की बात करें तो यार, क्या S20 हमारा लोएस्ट रिकॉर्ड सेट कर देगा सेल्स का? ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, आईस यूनिवर्स भाई साहब जो कि हमारे सैमसंग के सारे लीक्स देते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या पता सैमसंग इस बार लोएस्ट रिकॉर्ड सेट कर दे। और कुछ डिस्कशन हम करेंगे S21 AKA S30 जो भी वो रखेंगे उसका नाम। तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे S20 के साथ। भाई S20 क्या लोएस्ट रिकॉर्ड सेट कर देगा? और कहते हैं हमारे आईस यूनिवर्स भाई सब, क्या ये कोरोना वायरस की वजह से? यार ये कई रीज़न हो सकते हैं मल्टीपल। मतलब अगर मैं अपना कुछ पर्सपेक्टिव बताऊं तो S20 एक बहुत बढ़िया फ़ोन है यार, बट प्राइस इतना हाई है, लाइक 93,000 से स्टार्ट है इंडिया में, और 93,000 के स्टार्ट होने की वजह से उस लेवल पे अगर आप उस चीज़ को दे रहे हो तो आपको कुछ यूनिक चीज़ें लानी ज़रूरी है। मतलब मानता हूँ भाई कैमरा बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है, बट यार एक होता है अटैक ऑफ नंबर और एक होता है रियल यूज़िबिलिटी। भाई रियल यूज़िबिलिटी क्या है उसकी इतनी ज़्यादा कि हम उसको इस प्राइस पॉइंट में हम ऐसा लॉन्च कर रहे हैं? भाई सैमसंग नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट स्टिल क्या कोई यूज़र जो S10 प्लस यूज़ कर रहा होगा, क्या वो एक रियल स्विच करेगा? क्योंकि यार इकोसिस्टम स्विच करना तो यूजुअली लोग नहीं पसंद करते हैं, बट स्टिल जो कि रियल यूज़र है ऑलरेडी सैमसंग का, एंड्रॉयड का, क्या वो स्विच करेगा? इतना रियल वर्थ है उसमें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में तो खासकर नहीं है, क्यों? प्रोसेसर बहुत दिक्कत है भाई। एक्सिनॉस लॉन्च किया इंडिया में, बहुत कंप्लेंट्स आ रही है एक्सिनॉस की कि भाई एक्सिनॉस में स्लो हो रहा है, हीटिंग इशू आ रहा है, लैगिंग स्लगिश हो रहा है। तो भाई इंडिया में तो भाई मुझे नहीं लगता S20 अल्ट्रा एक रियल फ़ोन स्विच है। मतलब मैं खुद भी काफ़ी टाइम से स्विच करने की सोच रहा हूँ फ़ोन। मैं नोट 9 यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, अब 2 साल होने को आ गए उसको, बट एक मुझे रियल ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? इसमें भी एक्सिनॉस ही है प्रोसेसर, बट भाई ये ठीक चल रहा है मेरा, थोड़ा हल्का स्लगिश होता है एट टाइम्स, बट स्टिल अब मेरे को कुछ सैमसंग के कई फीचर की इतनी आदत है कि भाई मैं स्विच दूसरे एंड्रॉयड पे नहीं करना चाहता हूँ। बट सैमसंग भी वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है भाई, एक्सिनॉस ला रहा है, स्नैपड्रैगन लाना चाहिए जबकि यहाँ पे, बट सेम वही चीज़ हो रही है। मोर ओवर मेरे को जो S20 में नहीं पसंद है वही, मैं कुछ खास फ़ैन नहीं हूँ होल पंचेस का, ना ही नॉच का, इसी वजह से ही मैं स्टक हूँ इस वक्त। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा था 7 Pro जब आया, वन प्लस का लॉन्च हुआ था, बट भाई इस बार और मुझे बहुत ही बुरा लगा यार। मतलब वन प्लस वाले भी 8 Pro में अपने 8 सीरीज़ में पंच होल ही ला रहे हैं, और अपना इतना बढ़िया पॉपअप मॉड्यूल वाला कैमरा का उन्होंने छोड़ दिया। वो कल लॉन्च होने वाला है वन प्लस, काफ़ी लीक्स हमारे पास आ चुके हैं, पंच होल तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा नहीं कह रहा, मतलब यार अगर पंच होल निकालते तो बहुत ही बेटर होता उसमें हमें, काफ़ी मतलब पंच होल नहीं निकालते तो काफ़ी बेटर होता, क्योंकि भाई उसके अंदर हमें काफ़ी बढ़िया फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो हम उसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है। तो मतलब मैं तो वही प्रेफर करता यार उससे ज़्यादा। और दूसरी और चीज़ें हैं सैमसंग की यार, जो इस बार इन्होंने यार स्क्रीन थोड़ी कर्व कम कर दी। मतलब मैं थोड़ा कर्व स्क्रीन का ज़्यादा फ़ैन हूँ, तो भाई मतलब मैं प्रेफर करता कि भाई थोड़ी कर्व हल्की और रख लेते अगर थोड़ी कम करनी थी तो, बट ठीक है, मतलब वो एक अलग बात है। मेन डिस्प्ले बहुत अच्छा है, फ़ोन बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है उस फोन का, बट भाई जो यूज़र एक फ़ोन स्विच करता है दूसरे फ़ोन से, मतलब लास्ट जनरेशन वाला तो कोई बंदा नहीं चाहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट है भाई, कोरोना वायरस तो है ही एक रीज़न, बट उससे बड़ा रीज़न भी है कि एक रियल स्विच डील जो होती है ना, वो मुझे नहीं लगा कि खाली वो कैमरा पूरा कर पाएगा, क्योंकि वो अटैक ऑफ नंबर्स तो है बट स्टिल रियल यूजिबिलिटी क्या है उसकी, वो थोड़ी डाउटफुल है। अब बात करते हैं S21 AKA S30। ये भी हमारे आईस यूनिवर्स भाई साहब ने बताया हमें कि हो सकता है इस बार सैमसंग S21 में अपने जाए अंडर स्क्रीन कैमरा के साथ, जो कि भाई एक मोस्ट अवेटेड फीचर था। ओप्पो वीवो ये सब अपने कॉन्सेप्ट फ़ोन में लाए हैं, बट भाई उनके साथ भी सेम इशू रहा है इसका कि भाई दोनों के साथ, इनफैक्ट दोनों है तो ऐसे एक ही BBQ से ही
पता नहीं क्यों ये अलग अलग चलाते हैं अपना, मतलब खैर बढ़िया ही है उनका तो, सब जगह मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। तो भाई उसमें क्या इशू आ रहा था कि लाइट नहीं पास हो पाती है अंदर से स्क्रीन के ऊपर से, तो उसकी वजह से यार कि ब्लरी हो जाती है फ़ोटोज़। तो भाई वो फ़ोटोज़ ब्लरी वाली हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते आज के टाइम में, मतलब इतने बढ़िया सेल्फी कैमरे होते जा रहे हैं तो भाई हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई कैमरा की क्वालिटी पुअर हो जाए, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो भाई अब आने वाला है हमारा सबसे बड़ा हीरो जो कि सबको डिस्प्ले देता है, भाई सैमसंग। तो भाई मैं पूरा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई सैमसंग अगर ये चीज़ निकालेगा तो प्रोटोटाइप में ऐसे ब्लरी ब्लूरी नहीं, सीधा डिवाइस में निकालेगा और आग लगा देगा भाई। सैमसंग से पूरी उम्मीद है इस चीज़ में कि भाई अंडर डिस्प्ले जो कैमरा आने वाला है नेक्स्ट लेवल पे आने वाला है। तो मुझे लगता है कि आईस यूनिवर्स भाई साहब कह रहे हैं तो भाई आ सकता है, बट स्टिल थोड़ा सा डाउटफुल तो है कि भाई S21 में आएगा नहीं आएगा ये फीचर, बट अगर आ जाता है तो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब मैं खुद इसके लिए तो हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई मेरे को खुद फ़ोन स्विच करना है। तो वैसे तो मैं सोच रहा था इस साल ही कर लूँगा खुद स्विच अगर कुछ मुझे ऑप्शन लगा तो, और हमारे भाई साहब नोट 9 ने अगर थोड़ा सा दम तोड़ दिया ऑब्वियसली, बट भाई मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही साथ तो दे दिया है इसने, और थोड़ा और निकाल दे और S21 में बस स्नैपड्रैगन निकाल दे यार इंडिया में और अंडर डिस्प्ले निकाल दे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा भाई। तो मतलब यही है हमारी आज की अपडेट, जो मेन दो अपडेट्स थी। तो बहुत ही सही यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सैमसंग के लिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल रिंग कर देना, किसी को शेयर करनी हो ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना यार, और मतलब मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा तो आप प्लीज़ आते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निक यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।